Ayub Khan, founder, president, Nasirabad Social Welfare Association, Nasirabad Hunza plan. Okay. So, you know, 92. District hit Sugar Khan. बाद में देगा district में ठीक है. So, 92 में हमने registration करवाया. ठीक है. तो 92 से अब तक हम क्लब दूध के जो भी काम है हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है जो कहीं उसके लिए हम छोटे से छोटे प्रोजेक्ट भी हम करते आए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट अंदर भी हमने बहुत नमाया नाम कमाया है. ठीक. जैसा दुनिया का बेहतरीन पानी एक तो फ्रांस में है, दूसरा नासिराबाद जो 14,000 फीट पर एक चश्मा है, मतलब मशहूर पानी में दुनिया में शुमार होता है. तो यहाँ से हमने पार्टनरशिप पर वासिक और पब्लिक टर्म पार्टनरशिप पर कोई 3 साल इसको हमने पर गांव के लिए 14,000 में कामयाब हुए हैं. जबरदस्त. तो इसके साथ साथ फिर हमारा जो नेक्स्ट अभी वासिक के साथ हमारा दूसरा जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं नियर फ्यूचर 2020 और 2021 अभी फ्रेंच बैंक की तरफ से डोनर है, 8 अरब का डोनर है. बकौल उनके मुताबिक हमने दरख्वास्त जमा करवाई हम सूरज ले जाए, मतलब बहुत बड़ा गाँव है नासिराबाद. ठीक है. इसके लिए इंशाल्लाह उन्होंने बताया है टाइम टू टाइम हमसे बाकायदा मीटिंग्स में बैठते हैं. अब इंतजार में बैठे हैं, इस साल आ रहा है, मतलब 2021 में आ रहा है. अगर अपना प्रजी भी कर आ रहा है और फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा है जी भी कर तो अपने प्रपोजल और एप्लीकेशन जमा करा है. जबरदस्त. इसको इंशाल्लाह फिर गाँव के लिए सर्विस लाना चाहते हो बहुत बड़े फ्यूचर का हमारा खासकर सरमाया होगा समझो इन्वायरमेंट के लिहाज से जबरदस्त. हेल्थ और हाइजीन का हवाला से आप जानते हैं. और तीसरा प्रोजेक्ट है, हम ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं शायद पाकिस्तान में फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं. अच्छा. ये हमें खुशी भी है, आज मुझे मौका मिला. yes. मैं अपना समझो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आपको बताऊँ, मतलब हुंजा एजुकेशन तीसरा जो प्रोजेक्ट है अभी फाइनल, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है हुंजा एजुकेशनल एंड कल्चर कम्प्लेक्स के नाम से. एजुकेशन एंड कल्चर एजुकेशनल एंड कल्चर कम्प्लेक्स के नाम कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स. ओके ओके. तो ये एक डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है, मतलब हुंजा एजुकेशनल एंड कल्चर कम्प्लेक्स के अंदर एक डॉक्टर ये महा और इवेंट्स जैसा ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयरनेस होते हैं, तालीमी सेमिनार होते हैं, यूथ कन्वेंशन होते हैं. अच्छा. और देकर सोशल एक्टिविटीज, सेरेमनीज, फेस्टिवल्स बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, मतलब ऐसा वेन्यू बनेगा जहाँ रिहर्सल होगा, मतलब एक बेस्ट प्लेस बनाने place, या ठीक है. एक 7 कैफेटेरिया है, कोई 400 लोग बैठ कर वो इन्जॉय कर सके, मतलब चाहिए हो देकर गैदरिंग हो. तीसरा गुड लाइब्रेरी प्लस आईटी लैब कम्बिनेशन नाम का, मतलब जो 400 लोग बैठ कर इन्जॉय कर सकते, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए हमने स्पेशल बनाया है. तो 80 या 90 के जो बुजुर्ग हैं, ऐसे जो डिजर्विंग बुजुर्ग होंगे, मतलब खुदा न करे ऐसा कोई केस क्रिएट होता है, उसको हम हिफाजत अंदर निकाल सकते हैं. तो उसके साथ साथ हमारे ऑफिस से उसके अंदर और फिर पेट एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफिस रखे हैं, वॉशरूम्स मतलब मॉडर्न उस पर, मतलब इस तरह कोई 10 करोड़ का, मतलब तो पाकिस्तान का प्रॉपर जो बेस्ट आर्किटेक्ट है आखिर जो कल्चर सर्विस के वसीम बेग साहब, उसकी खिदमत हमने हासिल किया है. ये 5 ईयर्स का हमारा प्रोजेक्ट है. जबरदस्त. तो ये एक हम कर रहे हैं इस एनजीओ के उससे, मतलब तो इसके इस एनजीओ के प्लेटफॉर्म से हमने
हुंजा कल्चरल शो के नाम से हमने किया था, वो एम्बेसडर लाया था हमने, ये अभी तक किसी ने ऐसे प्रोग्राम नहीं किया। अब देख पाऊंगा, अब उसमें कोई 12,000 लोग थे, पाकिस्तान टेलीविजन जो और प्रिंट मीडिया दुनिया सारे वो दोस्त थे उसमें, तो उसमें मेहमान खुशी वही स्पीर थे ब्रिगेडियर हसान साहब जो उस वक्त के नेशनल के सदर थे, वो लेकर मुंतबीन थे, मतलब फानर्स थे, मतलब अमेरिकन जापान बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक वो था, उसमें तो हुंजे की कल्चर को हमने प्रजर्व किया। ये पूरी दुनिया में अभी सीरीज है उसका, मतलब अभी भी चलाते टीवी पर, मतलब इस तरह। फिर बाकी छोटे छोटे स्टूडेंट्स डिजर्विंग स्टूडेंट को हम 8 साल तक एक डोनर हर है क्या, कोई 50 है डिजर्विंग ऑर्फेंस और 18 स्टूडेंट्स को हमने डी जी स्कूल जो है आखान नसीराबाद इनको बेवा हजरात जो होते हैं हेल्पलेस होते हैं उनके लिए डोनर्स कर फ्री लोन प्रोवाइड किया, बगैर इंटरेस्ट को मदद भी किया उनका आटा या राशन के इंटरव्यू करते आ गए। मतलब अभी ज़्यादातर फोकस हमारा इस प्रोजेक्ट पर, ये बहुत बड़ा वैल्यू बनेगा हमदा के अंदर, इस प्रोजेक्ट से नसीराबाद नहीं हुंजा नहीं यहाँ से भी वहाँ आएंगे, मतलब एक रिसर्च बेस होगा, क्योंकि पब्लिक का जो अदारा होता है वो सबके लिए होता है, दूसरे से इंटर लिंक सीख सकते हैं। जैसा हम इधर आ गए आज एक प्रोग्राम के जरिए, कभी उधर ऐसा प्रोग्राम हम रखेंगे हुंजा में, तो इस तरह का यह नाचिस हम जो ये मैंने 92 में इसको मैंने बनाया।